नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही आसान और खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के प्रोजेक्ट में और लेडीज़ प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 7 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने 23 फंदा डाला है और 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। आप कोई सा भी बॉर्डर बना सकते हैं। डिज़ाइन सामने की तरफ से शुरू होगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, और हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब 5 फंदों को हम दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। छठे फंदे को स्लिप करेंगे, 7वें फंदे को सीधा बुनेंगे और 8वें फंदे को स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा को छोड़कर इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा। 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है, फिर स्लिप करना है। दूसरा डिजाइन लास्ट में 6 फंदे बचेंगे, तो 5 फंदा सीधा, 5 और लास्ट फंदा इसे हम स्लिप करेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और इन 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से भी इन बुने हुए 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ऊन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। लास्ट में 6 फंदे बचे हैं, तो बुने हुए 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर और छठे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तो हमारा 2 लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरा लाइन हमारा पहले लाइन की ही तरह होगा, यानी सेकेंडरी कलर के ऊन से 5 फंदा सीधा, 6ठे फंदे को स्लिप करेंगे, 7वें फंदे को सीधा बुनेंगे, 8वें फंदे को स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा छोड़कर इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 5 फंदा सीधा, 6ठा फंदा स्लिप करना है, 7वां फंदे को सीधा बुनना है, 8वें फंदे को स्लिप करना है। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। 5वीं लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, बुने हुए फंदों को भी सीधा और स्लिप किए हुए फंदे को भी सीधा। 5वीं लाइन में पूरी लाइन प्राइमरी कलर के ऊन से सीधी बुन ली जाएगी। तो मैंने सभी फंदों को सीधा बुना। हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये डिज़ाइन का 6ठा लाइन है। तो 6ठी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सातवीं लाइन और सामने से, सातवीं लाइन में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम अपने
सेकेंडरी कलर के ऊन से दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और दो, और फिर तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, चौथे फंदे को सीधा बुनेंगे, पांचवें फंदे को स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदा सीधा बुनेंगे। इन दो फंदों को छोड़कर इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब देखिए, ये बीच के जो पांच फंदे थे उनमें से एक फंदा इधर आ गया, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप करना है, यानी बीच के तीन फंदे। अब देखिए, ये जो तीन फंदे थे स्लिप किए हुए, स्लिप किया हुआ, बुना हुआ, स्लिप किया हुआ, इन तीन फंदों को और इसके दोनों साइड वाले एक एक फंदे को, इन पांच फंदों को हमें सीधा बुनना है। डिज़ाइन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे हमने स्लिप किया था उसके ऊपर हम बुनाई करेंगे, और जहाँ बुनाई किया था उसके ऊपर तीन फंदों को हमें ऐसे स्लिप करना है, फिर बुनना है, फिर स्लिप करना है। तो हमने पांच फंदों को सीधा बुन लिया, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। तो बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो और सामने से, नाइन्थ रो में हम अपने सेवेंथ रो को ही दोहराएंगे, यानी सेकेंडरी कलर के ऊन से दो फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा, स्लिप किया, फिर पांच फंदे सीधे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते जाना है। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। ग्यारहवीं लाइन और सामने से, ग्यारहवीं लाइन में अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे, ग्यारहवीं लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया, बारहवीं लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं बारह लाइनों को हमें रिपीट करना है और एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए, इसमें मैंने दो कलर से बनाया है और इसी डिजाइन को यहाँ पे मैंने बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। कि इसमें जो थोड़े थोड़े से ऊन बच गए थे उन सबको लगाते हुए मैंने इसी डिज़ाइन को इसमें अप्लाई किया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।